तीसरा शब्द क्या हो गया? थैंक यू।
और चौथा क्या होगा? एक्सक्यूज मी। जैसे कभी हम लोग कहीं ज्यादा जाते रहते हैं और कोई भी हमारे सामने आ जाता है, अगर उसको हटने के लिए कहना हो तो हम लोग बोलते हैं ना, भैया एक्सक्यूज मी थोड़ा हटिए। तो इस समय हम लोग कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं? एक्सक्यूज मी। कुछ करने से पहले हम लोग क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं? एक्सक्यूज मी। तो ये चार शब्द जो क्या हुआ, सो हम लोग का क्या हुआ? मैजिक वर्ड्स हुआ। हमेशा याद रखिएगा, चार शब्द जो हुआ मैजिक वर्ड्स हो गया। कौन कौन सा शब्द है? ये हो गया सॉरी, प्लीज, एक्सक्यूज मी और थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू डू व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? सुबह से जब सबसे सुबह जब हम लोग उठते हैं या आप लोग उठते हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? डू यू विश गुड मॉर्निंग टू एवरीवन इन योर फैमिली? अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को गुड मॉर्निंग कहके कहना चाहिए। सुबह उठते उठते क्या विश करना चाहिए? गुड मॉर्निंग। इफ यू डू नॉट से देन स्टार्ट सेइंग दिस टू एवरीवन इन योर फैमिली। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और अपने परिवार में सभी से बात करने लगते हैं तो लोग क्या कहेंगे? इसकी आदत अच्छी नहीं, अच्छा बच्चा नहीं। अगर आप उठते उठते सबको गुड मॉर्निंग कहते हुए उठिएगा तो सब क्या कहेंगे? तो बहुत अच्छा बच्चा है, गुड मॉर्निंग कहते हुए उठता है, ये कितना मतलब इसकी आदतें कितनी अच्छी है। मतलब यहाँ कहने का ये मतलब है जो आप अपनी आदतें दिखला रहे हैं, जो आप कितने मैनर्स में है, कितने डिसिप्लिन में है। मैनर्स का एक और शब्द होता है डिसिप्लिन, जिसका मतलब होता है शिष्टाचार। इफ यू डू यू मस्ट फॉलो गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स एट होम एंड इन स्कूल। आप लोगों को घर में भी, स्कूल में भी और जहां कहीं भी रहते हैं वहां हमेशा अच्छी आदतों का, डिसिप्लिन का अनुसरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। फॉलो मतलब होता है ना अनुसरण करना, तो अच्छी आदतों को ही मानना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका दिन भर का रूटीन मालूम हो जाता है, आपकी अच्छी आदतें मालूम हो जाती है, जो कितने डिसिप्लिन में है, आपको डिसिप्लिन आती है कि नहीं। इसीलिए क्या करना चाहिए, हम जहाँ कहीं भी रहे वहाँ आपने दिनचर्या को नहीं भूलना चाहिए, गुड मैनर्स को नहीं भूलना चाहिए। अब आगे है आपका गुड मैनर्स, अच्छी आदतें या अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा शिष्टाचार कौन कौन सा है, क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिएगा कि बुकले वी मस्ट से थैंक यू व्हेन वी गेट समथिंग। अगर हमको किसी से कोई चीज मांगना होता है, वी मस्ट से थैंक यू व्हेन वी गेट समथिंग। अगर हम किसी से कोई चीज ले लेते हैं, मान लो तुम किसी दोस्त से बुक मांगते हो, अगर वो तुमको दे दिया उस समय तुम क्या कहोगे? थैंक यू। तो उस समय कौन से वर्ड का इस्तेमाल होगा? थैंक यू। थैंक यू कौन सा वर्ड है? मैजिक वर्ड है। वी मस्ट से प्लीज व्हेन वी रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। अगर हमको पहले भी बता चुके हैं, अगर हमको किसी से कोई चीज मांगनी होती है तो उस समय हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं? प्लीज का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज गिव मी समथिंग, प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर पेन, ऐसे करके हम मांगते हैं ना, तो उस समय कौन से वर्ड का इस्तेमाल होता है? प्लीज का। हमेशा ध्यान रखिएगा, वी मस्ट से सॉरी व्हेन वी हर्ट समवन। अगर हम किसी को कोई सा ऐसा बात कह देते हैं जिससे कि उसको मतलब कष्ट पहुंचता है, या किसी को तुम्हें मार भी देते हो तो उसे उसको चोट लग जाती है, तो उसके बाद कौन से शब्द का इस्तेमाल करोगे? सॉरी। सॉरी कह दोगे तो क्या होगा, वो आपकी गलती को माफ कर देगा। तो उस समय कौन से शब्द का इस्तेमाल होता है? सॉरी का। वी मस्ट से एक्सक्यूज मी
when we need the way. जब हमको पहले बताया है जब हमको कहीं जाना होता है अगर कोई बीच में आ गया और उसको कहना हो तो भैया थोड़ा हटिए तो बाबू थोड़ा हटो तो तुम थोड़ा इधर हो जाओ तो उस समय हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे उस समय हम लोग एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल करेंगे. वी मस्ट केयर फॉर ओल्ड पीपुल. हम लोग को हमेशा अपने से बड़े आदमियों का या बूढ़े बुजुर्ग आदमियों का क्या करना चाहिए आदर करना चाहिए उनकी बात माननी चाहिए. वी मस्ट बी काइंड टू एनिमल्स. और हम लोगों को जानवरों के ऊपर भी दया की भावना रखनी चाहिए. कोई भी जानवर ऐसा नहीं जानवर जा रहा है रास्ते में उसको ढेला नहीं देंगे ढेला मार ऐसे में क्या होगा उसको हर्ट होगा उसको चोट पहुंचेगी ऐसा काम नहीं करना चाहिए. जानवरों के ऊपर भी क्या करनी चाहिए दया करनी चाहिए. What we do in our everyday life becomes our habits. What we do in our everyday life becomes our habits. अपनी आदतों के अनुसार हमको अपने जीवन में प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए क्या अच्छी अच्छी आदतों का अनुसरण करना चाहिए. A person with good habits is liked by everyone. अगर कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर अच्छी आदतों का अनुसरण करता है हमेशा अच्छा व्यवहार करता है सबके साथ तो सब लोग क्या करते हैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. अगर तुमसे कोई मांग रहा है एक गिलास पानी अरे बाबू एक गिलास पानी दो तो तुम दौड़ के देने चले आओगे तो क्या कहेगा कितनी अच्छा बच्चा है इसमें कितनी अच्छी आदतें हैं. वही नहीं कहोगे तो क्या हो जाओगे अनडिसिप्लिन बॉय हो जाओगे गर्ल्स हो जाओगे. इसीलिए हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए तो क्या करेंगे सब लोग तुमको लाइक करेंगे सब लोग तुमको पसंद करेंगे टीचर हो या आपके गार्जियंस हो या अनदर कोई भी पर्सन हो वो सब आपको को क्या करेंगे बहुत ही लाइक करेंगे बहुत ही पसंद करेंगे. अब है आप लोगों को गुड हैबिट्स अच्छी आदतें कौन कौन सी है अभी जो मैं आपको बताई वो क्या था गुड मैनर्स शिष्टाचार के लक्षण शिष्टाचार अच्छी अच्छी अच्छा शिष्टाचार क्या है. अब है गुड हैबिट्स अच्छी आदतें क्या होती है क्या करोगे जो तुम्हारी आदतें अच्छी होगी एवरीवन विल लाइक यू सारे लोग तुमको पसंद करेंगे. आवर हेल्दी रूटीन बिगिंस अर्ली इन द मॉर्निंग. हमारे स्वस्थ रहने की आदतें जो है सो कब से शुरू हो जाती है सुबह से शुरू हो जाती है जब से हम बेड छोड़ देते हैं बेड से उठते हैं उसी समय हमारी अच्छी आदतें शुरू हो जाती है. अच्छी आदतें क्या हो गया आप सुबह उठिए ब्रश कीजिए लैट्रिन बाथरूम से फ्रेश होकर के ब्रश कीजिए ब्रश करने के बाद स्नान कीजिए स्नान करने के बाद ब्रेकफास्ट कीजिए ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या कीजिए अपने स्कूल जाइए या घर पे पढ़ने के लिए बैठ जाइए. ये क्या हो गया गुड हैबिट्स हो गए मतलब स्वस्थ रहने की अच्छी आदतें भी कहा जा सकता है. पहला है वी मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. हम लोग को सुबह में जल्दी उठना चाहिए सुबह क्या करना चाहिए सुबह 11 बजे उठ जाना चाहिए 5 बजे तक अपने बेड को छोड़ देना चाहिए सूर्योदय होने से पहले. इससे क्या होता है सूर्योदय होने से पहले अगर तुम बेड को छोड़ दोगे तो वहाँ की जो ताजी हवा होती है हमारे मतलब की जो ताजी हवा होती है वो क्या होता है शरीर में लगता है जिसके कारण हम क्या रहते हैं हेल्दी रहते हैं. उस समय का जो एयर होता है बहुत ही क्लीन होता है साफ सुथरा होता है. बी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे. दिन में हम लोग को कितना बार ब्रश करना चाहिए 2 बार एक सुबह उठते समय और एक बेड पर जाने से पहले. इससे क्या होगा 2 बार ब्रश करने से कीड़े मकोड़े हमारे दांत में नहीं लगेंगे और लतों के दांत में नहीं लगेंगे और आप लोग का दांत जल्दी खराब नहीं होगा. इसीलिए ब्रश कितना बार करना चाहिए 2 बार. बी मस्ट टेक ए बाथ एवरी मॉर्निंग. हम लोग को प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए हम लोग प्रत्येक दिन स्नान करते हैं लेकिन कब स्नान करना चाहिए सुबह में
लैट्रिन बाथरूम से फ्रेश होकर के उसके बाद क्या कर लेना चाहिए, सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए, बात कर लेना चाहिए। वी मस्ट पुट प्रॉपर वाइल इन आवर हेयर। आजकल फैशन हो गया ना तुम लोग का बाल में तेल नहीं रखना, लेकिन नहीं, प्रत्येक दिन का दिनचर्या होना चाहिए बाल में तेल रखना। इससे क्या होगा, आपके बाल मुलायम रहेंगे, अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो क्या होगा आपका जो सुंदरता है और निखर जाएगा और आप अच्छा लगेंगे। इसीलिए क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन प्रॉपरली खास करके बाल में तेल रखना चाहिए। We must comb our hair properly. और अपने बाल को डेली क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, यानी कि कंघी करना चाहिए प्रत्येक दिन। We must wash our hands properly. अपने हाथ को भी हमेशा धोते रहना चाहिए, जब भी कोई काम करो तो हाथ धो लेना चाहिए, खाना खाने से पहले धोना चाहिए, खाना खाने के बाद धोना चाहिए, स्कूल से जाने के बाद धोना चाहिए, स्कूल से गए और जल्दी जल्दी क्या करने लगे, भोजन कर लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छी आदतें नहीं। We must always wear neat and clean cloth. और एक बात और, हमेशा क्या करना चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, कि नहीं जो भी ठंडा है तो क्या करेंगे, एक सप्ताह तक एक स्वेटर को पहनते जा रहे हैं, तो क्या होगा, आप जितने भी जर्म्स हैं आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और आप क्या हो जाएंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए क्या करना चाहिए, डेली नीट एंड क्लीन कपड़ा पहनना चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। अगर आप लोग साफ सुथरा कपड़ा पहनोगे तो अच्छा दिखोगे, देखने में अच्छे लगोगे, हैंडसम लगोगे, ब्यूटीफुल लगोगे। इसीलिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक दिन साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। तो ये जो अभी हम बताए कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अभी जो 7 हम आप लोगों को बताए, क्या बताए, गुड हैबिट्स बताए, अच्छी आदतें बताए, जिससे कि इन सात बात को जो अगर इतना ही तुम कर लोगे तो क्या रहोगे, स्वस्थ, हमेशा स्वस्थ रहोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। इसीलिए ये क्या है, आपकी गुड हैबिट्स है। अभी तक आपको इस चैप्टर में क्या क्या बता दिए, गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स और फोर मैजिक वर्ड्स। हमेशा याद रखिएगा फोर मैजिक वर्ड्स को, ये एग्जाम में भी पूछा जाएगा। वन में अब है आप लोग का एक टिकट देख लीजिए, बी से सुप्रभात, बी से सुप्रभात इन हिंदी, व्हिच मींस गुड मॉर्निंग। हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सुबह में नमस्ते, या उसको सुप्रभात कहते हैं, जिसका कि इंग्लिश मीनिंग होता है गुड मॉर्निंग। इंग्लिश में हम लोग आते हैं बोलते हैं गुड मॉर्निंग, और इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, सुप्रभात। ये भी याद रखने की चीज है। अब आप लोग को मैं बतला दूं, टिक द करेक्ट ऑप्शन बुक में देखिएगा और टिक कर लीजिएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन, पहला है वी मस्ट से डैश व्हेन वी गेट समथिंग, जब हमको किसी से कोई चीज लेना होता है तो उस समय हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं, थैंक यू, थैंक यू में टिक कीजिएगा। वी मस्ट से थैंक यू व्हेन वी गेट समथिंग, जब हमको किसी से कोई चीज लेनी होती है तो हम उस समय कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं, थैंक यू का। तो अभी आप लोग थैंक यू में टिक कर दीजिएगा। दूसरा है व्हाट डू वी इन आवर एवरीडे लाइफ बिकम आवर डैश हैबिट्स, व्हाट डू वी इन आवर एवरीडे लाइफ बिकम्स आवर डैश हैबिट्स। डैश क्या कहता है, हमारे दिनचर्या में क्या चीज प्रत्येक दिन होना चाहिए, हमारे दिनचर्या में फ्रेंड्स होगा या हैबिट्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी व्हाट डू वी डू इन आवर एवरीडे लाइफ बिकम्स आवर हैबिट्स।
हैबिट्स में टिक कीजिएगा, हैबिट्स। तीसरा है बी मस्ट वेक अप अर्ली इन द डेस। हम लोग को प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए, कब उठना चाहिए, मॉर्निंग में या इवनिंग में? इसमें हो जाएगा मॉर्निंग। मॉर्निंग में टिक कीजिएगा बी मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम लोग को प्रत्येक दिन सुबह में उठना चाहिए। चौथा है वी मस्ट कॉम्ब आवर डैश प्रॉपरली। हम लोग को प्रत्येक दिन अपने बाल में क्या करना चाहिए, कॉम्ब करना चाहिए क्या, कितने हम लोग को प्रत्येक दिन हेयर में क्या स्किन में? तो हो जाएगा हेयर में, बाल में कंघी करना चाहिए ना कि स्किन में। यहाँ क्या कीजिए आप लोग, हेयर में टिक कर लीजिए हेयर। वी मस्ट कम्ब आवर हेयर प्रॉपरली। पांचवा है वी मस्ट वॉश आवर डैश प्रॉपरली। हम लोग को प्रत्येक दिन क्या धोना चाहिए, सूट या हैंड्स? इसमें क्या होगा, हैंड्स। हम लोग को प्रत्येक दिन हाथ धोना चाहिए। बार बार क्या करना चाहिए, शुद्ध धोना चाहिए नहीं, हाथ धोना चाहिए। तो इसमें लगा लो तुम लोग हैंड्स, लगा लिया। अब आ जाओ फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स, सही शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसका मतलब यही होता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड इसका यही मतलब होता है, रिक्त स्थानों की, सही शब्द को छूट करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वी मस्ट से डैश व्हेन वी हर्ट समवन। अगर हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, किसी को मार दे, मार किसी को तुम लोग मार बैठते हो, तो उस समय कौन से शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, प्लीज या सॉरी? सॉरी। यहाँ सॉरी भर लो, फिल इन द ब्लैंक्स के पहला में सॉरी। दूसरा है ए पर्सन विद डैश हैबिट्स इज लाइक बाय एवरीवन। एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए जिससे कि उसको सभी आदमी पसंद करे, एक व्यक्ति बच्चे में क्या होनी चाहिए जिससे कि उनको सभी पसंद करें, बैड हैबिट्स या गुड हैबिट्स? तो इसमें हो जाएगा गुड हैबिट्स। दूसरा में गुड भरिए, गुड। बी मस्ट वेक अप डैश इन द मॉर्निंग। हम लोगों को सुबह में जल्दी उठना चाहिए या लेट उठना चाहिए? तो हम लोगों को सुबह में जल्दी उठना चाहिए। तो इसमें क्या भराएगा, वी मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली भरिए इसमें। तीसरा नंबर में अर्ली। वी मस्ट टेक ए बाथ एवरी डैश। क्या करना है, प्रत्येक दिन हम लोगों को स्नान करना चाहिए, किस समय, आफ्टरनून या मॉर्निंग? अभी हम बताए थे ना मॉर्निंग। चौथा में भरिए मॉर्निंग, चौथा में क्या होगा, मॉर्निंग। बी मस्ट कम्ब आवर डैश प्रॉपरली। हम लोग को डेली कंघी क्या चीज में करना चाहिए, हेयर या ब्लीच? तो यहाँ हो जाएगा बी मस्ट कम्ब आवर हेयर प्रॉपरली, हेयर में हो जाएगा, आप लोग इसमें हेयर भरिए। वी मस्ट बी डैश टू एनिमल्स। हम लोगों को जानवरों पे क्या करनी चाहिए, क्रूएल या काइंड, दया रखनी चाहिए? तो इसमें क्या हो जाएगा, काइंड भराएगा। सिक्स नंबर में काइंड भराएगा। वी मस्ट बी काइंड टू एनिमल्स।
टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोग कल क्या कीजिएगा, इसका वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स याद कीजिएगा और टिक द करेक्ट ऑप्शन याद कीजिएगा। अगला वर्ड मीनिंग याद हुआ? अभी आपको इस चैप्टर में हम दो बात बताए, फिर से समझ लीजिए। अभी केवल बुक बुक रखिए सामने और मेरे क्वेश्चन पर देख करके तब समझ। गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स, अभी दो टॉपिक बताए, एक गुड मैनर्स और एक गुड हैबिट्स, एक अच्छी आदतें और अच्छा तौर तरीके। मैनर्स मतलब तौर तरीके भी होता है, रहन सहन के तौर तरीके, कैसे हम लोग अच्छा से रहेंगे इसके बारे में भी हम बताए। इसमें क्या बताए, चार मैजिक वर्ड्स बताए, चार मैजिक वर्ड्स बताए, कौन कौन सा, सॉरी, थैंक यू और एक्सक्यूज, सॉरी प्लीज थैंक यू एंड एक्सक्यूज मी। और इन चारों वर्ड का कहां कहां इस्तेमाल होगा इसके बारे में भी हम लोग को बता दिए। सॉरी जब किसी से कुछ, किसी को मतलब हम कुछ कह दे जिसके कारण उनको कष्ट पहुंचे तो उस समय हम लोग सॉरी बोलते हैं। किसी से कुछ ले लेते हैं तो उस समय अगर कोई हमको कुछ देता है जिससे हम देख, अगर किसी से कुछ मांगते हैं और हमको दे देता है तो उस समय हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, थैंक यू। किसी से कुछ लेना होता है, मांगना होता है तो उस समय हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्लीज। किसी को कहीं से हटने के लिए कहना होता है, जैसे इस बेड से उस बेड पर चले हम तो कहती हो ना, या तुम लोग कहता भी है तो उस समय क्या चीज का, कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हो, एक्सक्यूज मी। तो ये चार मैजिक वर्ड्स तो हुआ, हमेशा याद रखें। उसके बाद अच्छी आदतें बताए, आप लोग की कौन कौन सी अच्छी आदतें होना चाहिए, अच्छी आदतों में अच्छी आदतें होना चाहिए। सबसे पहला सुबह सुबह उठिए, ब्रश कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, फ्रेश होकर के नहा लीजिए, नहाने के बाद प्रॉपर तेल लगाइए, तेल लगाने के बाद क्या कीजिए, जो अपने हाथ को प्रॉपरली धोइए, हमेशा नीट एंड क्लीन कपड़ा पहनिए। ये सब क्या हो गया, गुड हैबिट्स हो गया, आप लोग की अच्छी आदतें हो गई। तो ये गया गुड हैबिट्स में, और चार शब्द जो हम बताए मैजिक वर्ड्स वो क्या चीज में आ गया, मैनर्स में, गुड मैनर्स में। आप लोग बार बार इस चैप्टर को पढ़िएगा और नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन एराइज कीजिएगा कि क्या नहीं आप समझे हैं। यहाँ कुछ है एक्शन रिप्लाई, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए और उसको भी याद कीजिएगा। वी मस्ट से थैंक यू व्हेन वी गेट समथिंग, हम लोग को हमेशा थैंक यू कहना चाहिए अगर हम लोग को किसी से कुछ देना हो। वी मस्ट बी काइंड टू एनिमल्स, हम लोग को जानवरों के ऊपर भी दया करनी चाहिए। ए पर्सन विद गुड हैबिट्स इज लाइक बाय एवरीवन, जो ऐसा आदमी, ऐसा बच्चा जिसमें कि सभी अच्छी आदतें होती है उसको क्या करते हैं, सभी लोग पसंद करते हैं, सभी लोग लाइक करते हैं। आवर हेल्दी रूटीन बिगिंस अर्ली इन द मॉर्निंग, और हमारी जो स्वस्थ रहने की आदतें हैं वो कब से शुरू हो जाती है, सुबह से। अगर आप लोग लेट उठिएगा तो क्या हो जाएगा, सारा रूटीन दिन भर का मतलब गड़बड़ आ जाएगा, जल्दी तो रहना आप क्या हो जाइएगा, बीमार पड़ जाइएगा। जैसे आप लोग को आदत है सुबह 6 बजे उठने की, 8 बजे उठिएगा तो क्या होगा, फिर नाश्ता का समय गड़बड़ आ जाएगा,
पूरा दिनचर्या ही आप लोगों की खराब हो जाएगी। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमेशा सुबह में ही उठना चाहिए। We must always wear neat and clean cloth. हमेशा क्या करना चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा ही पहनना चाहिए। तो कई चैप्टर खत्म हो गया, लेसन 16 अच्छी अच्छा अच्छे तरह से पढ़िएगा और क्या कीजिएगा इसके गुड मतलब वर्ड फिर द करेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स और वर्ड मीनिंग्स को अच्छा से याद कर लीजिए। क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, हमारे जिंदगी में अच्छी आदतों का और अच्छे रहन सहन के तौर तरीके की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसमें तुम लोग अच्छी आदतें भी लिखते अच्छी आदतें और अच्छा गुड मैनर्स भी लिख सकते हैं। सब अपना परमिनेंस मिला लीजिए, सब सही से लिखे हैं या नहीं, और कल क्या कीजिएगा सारे परमिनेंस को याद कीजिएगा। पिछले चैप्टर में आप लोग को पेज नंबर 64 देखिए, 64 में दिया हुआ है राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स बिलो द पिक्चर। पिछले चैप्टर में पेज लेसन 15 में पेज नंबर 64 दिया हुआ है राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स बिलो द पिक्चर, नीचे जो पिक्चर दिया हुआ है उस पिक्चर को देख करके आप लोगों को जानवरों का नाम भरना है। पहला में क्या है एलिफेंट, पहला में क्या भरोगे एलिफेंट। दूसरा पिक्चर क्या चीज का है लायन का, इसमें क्या बनाएगा लायन। तीसरा पिक्चर क्या चीज का है पीकॉक, इसमें क्या बनाएगा पीकॉक। चौथा क्या चीज का है आउल का, आउल मीन्स उल्लू। तो पहला में भरो एलिफेंट टी एल ई पी एच ए एल टी एलिफेंट। उसके बाद क्या है मंकी, उसके नीचे क्या है मंकी, उसके बाद क्या है ऑक्सन, उसके बाद क्या है गॉड, उसके बाद क्या है जेब्रा। इसमें सारे में क्या करना लिख लेना जानवरों का नाम। Write the name of the animals that live on land and in water. Land animals का नाम कितना है पहला में, land animals कौन कौन सा बताए थे कल, जमीन पर रहने वाला जानवर तो हो जाएगा elephant, horse, donkey, goat, oxen, इसमें तीन ही लिखना है land animals। उसके बाद है वाटर एनिमल्स,
वाटर एनिमल्स का नाम लिखना है। वाटर एनिमल्स में हो जाएगा सी, एक हो जाएगा ऑक्टोपस, एक हो जाएगा स्टार फिश या व्हेल। मछली हुआ व्हेल, इसमें भर देना है। वाटर एनिमल्स में स्टार फिश, फिश, ऑक्टोपस, व्हेल्स, कोई भी मछली का नाम लिख देना। आपका पीछे हो गया मोर टू डू। मोर टू डू में इसमें भरने वाला हो गया जानवरों का नाम और लैंड एनिमल्स और वाटर एनिमल्स हो गया। पिछला चैप्टर में बताए थे विंड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में, और 16 हो गया आप लोग का गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स। इतना तक आप लोग क्लियर हो जाएगा। आप लोग को एग्जाम में लेसन